हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके हम बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं तो बाप दादा क्या कहती है अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो होता क्या है सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो स्मृति स्वरूप नहीं बनते सोचते बहुत अच्छा हो मैं तो ये हूँ सुनाते भी बहुत अच्छा हो लेकिन जो सोचते हो जो कहते हो उसका स्वरूप बन जाओ स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है हर बात का स्वरूप बन जाओ जो सोचो वो स्वरूप भी अनुभव करो सबसे बड़ी बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना अनादि काल में जब परम धाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है स्मृति स्वरूप मैं आत्मा हूं ये भी सोचने की नहीं है स्वरूप ही है आदि काल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारंभ स्वरूप है सोचना नहीं पड़ता मैं देता हूँ स्वरूप है तो जब आदि काल में स्वरूप है तो अब भी अंत में स्वरूप बनो स्वरूप बनने से अपने कौन शक्तियां सुतई इमर्ज होते जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वो ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होता है ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण हर शक्ति हर प्रकार का नशा सुतई इमर्जों का मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको कहा जाता है ब्रह्मपन की नेचुरल नेचर जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर्स समाप्त हो जाती बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की ये डोरा आपकी ओर
आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू, आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। इनकल्केट द वर्चू ऑफ स्वीटनेस। जीवन में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो तो दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे। एवरी वर्ड, एक एक बोल मोती है। एवरी वर्ड यू स्पीक, आपका एक एक बोल बोल नहीं लेकिन मोती है। ऐसे लगे जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है। इसको कहा जाता है मधुरता। ऐसे बोल बोलो जो सुनने वाले सोचे कि ऐसे बोल हम भी बोलेंगे, सबको सुनकर सीखने की फॉलो करने की प्रेरणा मिले। जो भी बोल निकले वह ऐसे हो जो कोई टेप करके सिर्फ रिपोर्ट करके सुने। Let them be such, जो भी बोल निकले वह ऐसे हो कोई टेप करके फिर रिपीट करके सुने। ओम शांति। ओम शांति। शांति। वेलकम टू व्यक्ति परिवार। टुडे इज डे 6। ओम शांति। सबका हार्दिक स्वागत है। दिन 6। योर लाइफ एंड ऑल द वर्चुअल्स विल इजीली कम। जीवन में मधुरता और स्नेह के गुण को धारण कर लो तो दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे। वी विल लिसन टू मोहिनी दीदी। आज का टॉपिक है, मोहिनी दीदी से बात करेंगे। ओम शांति। इट्स नॉट ओनली वर्ड इज पर्ल बट बाबा आल्सो सेज, एक सिर्फ शब्द मोती नहीं है, माय चिल्ड्रन आर बाबा नूरे रतन भी कहते हैं, मेरे सारे बच्चे नूरे रत्न हैं। सो बाबा ऑलवेज सेज स्टार, बहुत बहुत ज्यादा कीमती। बाबा कहते हैं मेरे आंखों के तारे। बाबा हमें इतने श्रेष्ठ टाइटल हमें देते हैं, हम में से हर एक को रिस्पेक्ट, अपने स्वमान में हमें रहना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है। यू नो व्हाटएवर इज इन द माइंड द थॉट्स, ताकि दे आर विजिबल थ्रू योर फेस, थ्रू योर दृष्टि, जो कुछ भी मन में संकल्प है, and through your words, और आपके शब्दों द्वारा भी देखे जा सकते हैं। Whatever you know, the feelings or the virtue is, जो भी कोई feelings या गुण आ है, I have really met some very beautiful people, and they are all. मैं बहुत अच्छे सुंदर लोगों से जीवन में मिली हूँ। जब वो बोलते हैं उनके अंदर टेंशन होती है और आप कुछ में बहुत ज्यादा बहुत धैर्य होता है, उमंग उत्साह, परंतु पेशेंस और निश्चय मदद करता है आत्मा को शब्दों द्वारा काम डाउन करने में मदद करता है। मैं किसी को पूछ रही थी, क्यों आपने ये डेवलप किया, क्यों इसको पहले हर एक पेशेंट सुनना चाहते हैं, पहले हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं उससे पहले शब्द बहुत जरूरी होते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है उनकी
पर्सनालिटी हर एक की. टू रियली कंफर्ट कुछ लोग दूसरों को एक तरीके का आराम ऑफ लॉट ऑफ कंफर्ट देना चाहते हैं. स्नेह का डेवलप जो उनकी अंदरूनी एक ये गुण होता है अंदर का स्वयं का. द वर्ड सेज सो मच वैल्यू. तो अगर इन शब्दों में इतनी वैल्यू है शूज तो फिर हमारे गुण कितने कैन एक्चुअली बी एक्सप्रेस्ड. कैसे हम हमारे गुण एक्सप्रेस किए जा सकते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव. हमें बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है. जितने हम स्वरूप बनेंगे उतना the pearls. और उसमें आप अपने मोती बरसाने हैं. प्रेरणा वाले शब्द और जो शब्द प्यार के स्नेह के ऐसे would like to record it. शब्द सबको रिकॉर्ड कर and baba brahma baba इच्छा होगी और बार बार सुनेंगे. और ब्रह्मा बाबा एक उदाहरण है इसके. जब वो बोलना शुरू करते थे मीठे बच्चे शुरू ही करते हैं तो मीठे बच्चे. मुझे याद है जब मैं सुनती थी मन उसको ऐसे अब्सॉर्ब करता था कि बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे. तो बहुत ज्यादा शब्द नहीं कम शब्द बोलें और परंतु शक्तिशाली हो बलपूर्वक हो. तो ये एक धारणा है बहुत अच्छी तरीके की. ये हमारे लिए कल का गृह कार्य है. हर एक शब्द आपका हर एक बोल मोती है. आपका ऐसे लगे जैसे मोती है. हर शब्द शब्द नहीं है परंतु मोती है. ऐसा महसूस होए ऐसे लगे जैसे मोतियों की वर्षा हो रही है. इसको कहा जाता है मधुरता. That those who listen to you, ऐसे बोल बोलो जो सुनने वाले सोचें कि ऐसा बोल हम भी बोलेंगे. सबको सुनकर सीखने की फॉलो करो करने की प्रेरणा मिले. जो भी बोल निकले वह ऐसे हो जो कोई टेप करके सिर्फ रिपीट करके सीखने फॉलो करने की प्रेरणा मिले. जो भी बोल निकले वह ऐसे हो जो कोई टेप करके टेप करके सुने. एक है words can touch heart ki shabd buddhi ko chhue shabd dil ko bhi chhu sakte hain atma ko bhi chhu sakte hain. Jo shabd ko chhute hain intellectual jab log so it touches intellect bolte hain lecture mein chhu jata hai buddhi ko uski ek reasoning milti hai. वो कोई जरूरी नहीं है कोई कोई शब्द दिल छू जाते हैं परंतु हमारे शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं वो आत्मा को छू जाते हैं. जो होता है वास्तव में फॉर हार्ट फीलिंग्स अवेकन हमारी बुद्धि में एक डीप अवेकन करने की शक्ति एंड व्हेन बड़ गहरी जागृति जागृत होती है. और वो जागृति जब होती है उसका मतलब हुआ आप बहुत गहरे तरीके से प्रेरित हुए हैं. तो वो शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी हैं. पर्ल्स जो मोती होते हैं देखने में भी खूबसूरत हैं. उनकी बहुत वैल्यू है. I think most of you must have seen pearls.
मैं सोचती हूं कि आप सबने पर्ल्स देखे होंगे, बहुत महंगे महंगे होते हैं, उनके गले का हार बनता है, उनको मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल मिलते हैं। आपने देखा होगा जैसे वो शेल होते हैं, उन शेल्स के अंदर ये पर्ल्स मोती होते हैं, तो उनको इकट्ठा करते हैं लोग। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा हमारे को रूप पसंद का देते टाइटल देते हैं। कुछ लोग देखते हैं आपकी छवि को, उनके शब्द परंतु मोती की तरह नहीं होते, तो रूप का मतलब है स्वरूप और शब्द जैसे मोती हो, तो हमारा गृह कार्य है और इसको करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी जी। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। I really loved what you were sharing about sweetness. मेरे को बहुत अच्छा लगा जो आपने मिठास के बारे में शेयर किया। ये बहुत अच्छी गुण है। मुझे याद है कुछ महीने पहले आपने कहा, आपसे पूछा था, तो ये आपने कहा था बहुत सारे गुणों का एक मिलाप है। आप जितने सुंदर लोग आपसे मिले, वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे उनके अंदर इन गुणों का। तो यस, दीदी जी का उत्तर है यस। बहुत धैर्य, पेशेंस और बहुत रिगार्ड, सपोर्ट करना। आप क्या सोचते हैं कि हमें क्या गुण चाहिए कि हमारे को ये सब गुण, धैर्यता, साहस, सबसे पहले स्नेह है। आपको लोगों को, आत्माओं को स्नेह करना है, उनका सम्मान करना है, सम्मान करना है। जहाँ पे प्रेम और सम्मान है, इस सबसे पहले आपके अंदर है, उसके बाद दूसरों के साथ हम बांटते हैं। आपके पास अगर प्रेम है तो आप शेयर करेंगे स्नेह को। कभी कभी मैं सोचती हूँ, चंबे में रहती हूँ, कि आप ये लोग भगवान में विश्वास करते हैं, परंतु जैसे हमें पता है कि भगवान स्नेह है, स्नेह स्वरूप है, वैसे नहीं। तो कितना स्नेह हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर कितना स्नेह होना चाहिए, परंतु हम लोग कभी कभी माया के साथ लड़ाई करते रहते हैं, युद्ध करते हैं। मुश्किल है, कभी कभी लगता है हमारे को बहुत ज्यादा कटु और कड़वा नहीं होना है, हमें स्नेही होना है, प्रेम स्वरूप। इसके लिए बहुत अटेंशन देनी है, आपको स्नेह स्वरूप संपूर्ण होना ही है। हम मीठे हैं तब लगेगा हम मीठे हैं। हम कभी कभी शब्द यूज करते हैं एक तरीके से, जैसे कितना मीठा है, हाउ स्वीट, तो सम्मान के साथ, तो फिर एक एकदम से बात आती है कितने मीठे हैं। तो एक मिठास के अंदर बहुत सारे गुण आ जाते हैं, और सबसे पहले बेशक स्नेह है। आप जो कह रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, किसी के लिए सिर्फ प्रेम रखना, कैसे हमारा प्रेम बाबा का प्रेम को, बाबा के प्रेम को प्रत्यक्ष करेगा। उदाहरण स्वरूप, ब्रह्मा बाबा निमित्त थे, सबसे पहले निमित्त थे, फिर ब्रह्मा बाबा के पास स्नेह नहीं होता तो शिव बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, और अब हम सब हैं, हमारे को प्रत्यक्षता करनी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
बाबा कहते थे जैसे भी आपको देखें आप दृष्टि दीजिए, शेयर कीजिए, उनको महसूस होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ अलग है आपके आपके चाल चलन में, बर्ताव में कुछ यूनिक है। उनको महसूस होना चाहिए आपके आप भगवान से जुड़े हुए हैं। उनको महसूस होता था और कहते भी थे आप अपना विजडम शेयर कर सकते हैं, आप वरदान शेयर कर सकते हैं। तो ये वाइब्रेशंस द्वारा है हमारा कोई भी, हमारे मन की स्थिति जो भी है वो वाइब्रेशंस दूसरों को महसूस होती हैं, वो फील करते हैं। जो एक चीज है दीदी मुझे महसूस होता है मीठे के मीठेपन के बारे में, मधुरता के बारे में, कितना भी कोई दूसरा दूसरी आत्मा सहन शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। जब आपको कोई भी चुनौती आती है वही गलती बार बार करते रहते हैं, आपके साथ वैसे का वैसे ही बात करते रहते हैं, तो आप अपना स्नेह कैसे रखते हैं? दीदी जी से प्रश्न है। आपके स्नेह को क्या हुआ? जैसे आपको आप उनको प्रेम करते रहिए, भगवान भी यही करते हैं, तो आपको भी यही करना है। वो जो करते हैं उनको करने दीजिए, आप उनको ब्रह्मा बाबा उनको प्रेम करते थे जैसे भी वो थे, तभी उनमें बदलाव आया। तो एक तरीके से झुक जाते थे बाबा के आगे जो भी कुछ बाबा ने कहा, क्योंकि वो बहुत स्नेह स्वरूप थे। क्योंकि लोग कैसे कैसे बात करते हैं, उनको करने दो जो करना है, आप अपना करिए। आप कहते रहे मैं आपसे अभी भी प्रेम करती हूँ, आपको उनके लिए मैं कैसे बिहेव करती हूँ और आत्मा बहुत प्रेमी है, तो अनादि रूप से वो पिघलने लगते हैं, अंदर से झुकने लगते हैं। तो अगर मैं कहती हूँ आप ऐसे कहते हैं तो मैं आपको स्नेह नहीं कर सकती, तो ये टॉलरेंस की बात नहीं है, मेरे को आत्मा को स्नेह करना है। ये बहुत रोमांचक बात है, आप उसके द्वारा इस रूप में आप बदलाव लेके आ रहे हैं। तो फिर मिठास देरी से या जल्दी ये इमर्ज होगा। पहला स्टेप जो आपने पढ़ा, आपने कहा वो है समझ, वो उस इंसान का संस्कार है। मेरे को अपना बर्ताव नहीं बदलना किसी और की संस्कार की वजह से, उसका मतलब आप अपने संस्कार इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लवफुल नहीं है, सिर्फ आप अपने संस्कार इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं कैसे कैसे सहन कर सकती हूँ, ये भी आपका संस्कार है। तो संस्कारों को, दूसरों के संस्कारों को देखना, आप अपने संस्कारों को बदलाव कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं स्मृति स्वरूप में रहूं, बाबा ने कहा मैं अपने मिठास को प्रेम करता हूं, तो अगर आप स्मृति स्वरूप हैं तो मैं नहीं सोचती हूं कि मैं सोचती हूं कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, मैं जरूर सोचती हूँ। ये गृह कार्य है ना हमारे लिए देखना है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कभी सहन करना जो आप नहीं जानते उनको सहन करना रेयरली मिलते हैं, उनको सहन करना आसान होता है। अगर आप किसी को जिनके साथ बार बार आपको मिलाप होता है उनके पास से ऐसा कुछ करते हैं एक दो बार कि एक तो ठीक है परंतु वो करते ही रहते हैं, तो आपसे गलत तरीके से बात करते हैं, गुस्सा होते रहते हैं, तो फिर मुश्किल लगता है। उस समय पे हमें मधुरता मुझे लगता है चाहिए। जो कुछ भी वो आत्मा कर रही है आप उसको स्नेह कीजिए, आप उससे प्रेम कीजिए आत्मा से।
तो मीठे रहिए, मीठे रहिए। अगर आप एक चीज, कोई कुछ पूछ रहे थे कि बाबा बाबा दयावान है और आप उनके लिए दया रखिए ऐसे आत्माओं के लिए, क्योंकि वो अपनी आदतों से इतने प्रभाव में हैं, उनके संस्कार ऐसे हैं, तो अगर प्रेम भी नहीं हो तो फिर दया कीजिए। तो जब आपको मर्सी होती है तो आप फिर भी बहुत दयालु होंगे, बहुत दयालु होंगे, और उनको पिघलाएगा वो, उनको मेल्ट करेगा। तो जो हम कुछ भी कहते हैं फिर भी प्रेम करती हैं, तो कैसे आप मीठे हो सकते हैं जब आप प्रेम नहीं, और आत्मा को स्नेह करना है क्योंकि आप किसी की पर्सनैलिटी में नहीं जा रहे हैं या उनकी आदतों में नहीं जा रहे हैं, बस प्रेम करना है। काम करेगा, आप कोशिश कीजिए, ट्राई, आप सेम ट्राई करना। मुझे मधुरता बहुत अच्छा लगती है, ऐसा गुण आपने कुछ महीने पहले कहा कि कैसे कितने सारे गुणों का मिलाप है। मैं बहुत सोच रही हूँ इन सारे गुणों को इकट्ठे कैसे लेके आऊं, सम्मान, धैर्यता, और आप बताइए दीदी जी कैसे मैं इतने गहरे लेवल पर आत्मा के लिए सम्मान रख सकूं। जब आप आत्मा का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास सम्मान होना चाहिए। जब आप पर्सन कहते हैं इंसान तो अलग बात है। आत्मा में स्मृति में वैसे ही सम्मान होना चाहिए। अगर हम कहें ये इंसान वो इंसान तो फिर वो पर्सनैलिटी पे आ जाता है, तो वो पर्सनैलिटी कॉन्शियसनेस कहलाएगा। क्योंकि जब आप आत्मा शब्द कहते हैं तो आपको मीठा है, आप मीठे हैं और आपको उनके प्रति स्नेह होगा ही, आत्मा प्रति। तो आप आत्माओं से गुस्सा नहीं करते, आप लोगों से करते हैं। तो वो देह अभिमान हुआ, तो वो संस्कार है शरीर देह भान के। तो जब आप ऐसे सोचते हैं तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको सारी आत्माओं को स्नेह करना ही है, वो सारे परमात्मा के बच्चे हैं, तो हमारे को उनको भाई भाई मानना है। तो वास्तव में आप सोल वर्ड यूज कीजिए, परंतु आप ये सोचिए कि हम आत्माएं हैं। तो ये संस्कार पर्सनालिटी में आ जाता है। तो आप शरीर को देख रहे हैं अगर आप वैसे सोचते हैं तो वो फिर देह भान में आ जाता है। तो आत्मा में मतलब आत्मा है, सारे आत्मा है, वो फिर गुह्य भावना होनी चाहिए मिठास की आत्मा। आप इंसान के साथ गुस्सा हो सकते हैं परंतु आप आत्मा से नहीं। आप आत्मा कहेंगे तो कैसे प्रेम नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छी युक्ति है, बहुत स्थूल फर्क है, परंतु शरीर को नहीं देखिए तो आत्मा देखेंगे तो सम्मान और प्रेम होगा। कुछ पहले महीने आप सारे गुण ला सकते हैं अगर हम देही भानी बाबा और ड्रामा, तो सारे गुण आ जाए। Contentment, you said, oh, just जब मैंने आपको संतुष्टता के बात में कहा तो ड्रामा 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 को प्रैक्टिस करो तो संतुष्टता आएगी। मिठास के लिए हमें तीनों, हमें आत्मा, ड्रामा और बाबा, तीनों को अभ्यास करना है। क्रिएटर और क्रिएशन दोनों को याद रखना है, दीदी जी ने कहा। ओके, आपका धन्यवाद दीदी जी। ओम शांति। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना।
जग में पवित्रता बरसा है जग में फरिश्ता झलक तुम्हारी फरिश्ता झलक तुम्हारी शिव पिता ने दी है तुमको शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी श्रीमत कितनी प्यारी जो प्यारे बच्चों और कोई भी विकारी नहीं होंगे उनके संबंध विकारी नहीं होंगे उनकी दृष्टि वृत्ति विकारी नहीं होगी वहां There पर no vices. वो सर्वगुण संपन्न होंगे ये पहली पहली बात है जो बाबा के जीवन में परिवर्तन करने वाली बनी आप सब इस बात को अच्छी तरह से समझो और भी जो बहन भाई जिन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है वो इसी तरीके से परिवर्तन हुआ है मैं भी जब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया 1952 में तो उन दिनों मैंने IAS के इम्तहान का फॉर्म भरा हुआ MA के इम्तहान का फॉर्म भरा हुआ और अपने जीवन में हर कोई जैसे सोचता है कि प्रोग्रेस करूंगा ये सब सोचा हुआ क्या क्या आपने खाली पुलाव बनाए हुए लेकिन जैसे ही ये मालूम हुआ कि सृष्टि विनाश होने वाली है और ये बात बुद्धि में बिल्कुल ठीक तरह से बैठ गई कि ये इतनी चरित्रहीन हो चुकी है इतना भ्रष्ट आचरण हो चुका है मनुष्य का इतना भ्रष्टाचार इस संसार में फैल चुका है विकार इतने प्रधान हो चुके हैं कि अब सिवाय विनाश के इसका कोई चारा ही नहीं कोई इलाज ही नहीं ये बिल्कुल ठीक बात लग रही है कि अब जमाना बदलना चाहिए सतयुग आना चाहिए तो अपना जीवन इस तरफ लगा दिया वो परिवर्तन की हमारे अपने जीवन में भी जो हम हरे कोई अपने जीवन में आप एनालिसिस कीजिए तो आप देखेंगे जिसके जीवन में जो परिवर्तन आया है उसका जो प्रपोर्शन है उसका जो अनुपात है वो ये बातें कहां तक बुद्धि में है यहां तक हमने देखा है कि अगर किसी के लाइफ में यह आता है कि विनाश होगा कि नहीं होगा या पता नहीं कितना टाइम पड़ा है विनाश में या सचमुच कितने टाइम के बाद आएगा जो इन बातों में ढीला होता है आप देखेंगे कि उसका परिवर्तन का पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है तो पहली पहली बात जो बाबा के जीवन में परिवर्तनकारी हुई और हमें भी बाप समान बनाने में जो परम सहयोगी सिद्ध हो सकती है वो ये दो बातें जो बाबा ने जल्दी जल्दी समेट दिया अपना सारा हीरे जवाहरात का इतना काफी टाइम से सेट किया हुआ धंधा जो बड़ी एक पेइंग लाइन थी एक बहुत ही जिसमें लाभ ही लाभ था उसको जो सारा छोड़ के बाबा ने ये किया और इतना सहन किया वहां समाज ने कितना विरोध किया लोगों ने कितने उपद्रव किए पत्थर मारे आग लगाने की कोशिश की के कोर्ट में केसेस किए क्या कुछ हंगामा नहीं किया लेकिन उन सबको सामने बाबा ने रखते हुए भी बाबा अपने लक्ष्य हिले नहीं उसका मूल कारण क्या था ये दो बातें पहली पहली परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए जरूरी थी आपको मालूम हो कि ये जो हमारा सारा पुरुषार्थ है ये मनुष्य के जो सारा लौकिक जीवन भी है उसमें दो चीजें काम कर रही है एक आकर्षण दूसरा विकर्षण संसार में ये दो शक्तियां हैं आकर्षण और विकर्षण अट्रैक्शन और रिपल्शन एक अट्रैक्शन दूसरा रिपल्शन ये काम विकार क्या है आकर्षण ये किसी देहधारी के देह के रूपरेखा को देखकर या उसके रंग को देखकर नाम रूप को देखकर उसके प्रति क्या है उसकी ज्योमेट्रिकल शेप की प्रति एक आकर्षण ये आकर्षण है मोह क्या है माँ अपने बच्चे की तरफ जो वो मोहित होती है वो क्यों होती है वो क्या है मोह का दूसरे शब्दों में क्या भाव है आकर्षण अपने बच्चे के प्रति उसका कहेगी देखो कितना प्यारा लगता है कितना मीठा बोलता है और वो भी कितने प्यार से मम्मी कहता है ये क्या है आकर्षण लोभ क्या है मनुष्य पैसा कमाते हैं गलत तरीके से या जो कुछ भी लोभ वश होके खाते हैं जो स्वाद के वश या जो कुछ भी लोभ के वश किया जाता है ये क्या है आकर्षण पदार्थों के प्रति आकर्षण स्नेह में अखियां
1969 से। Om Shanti. This is the Avyakt Murli of the 11th of July, 1972. Increasing decision power, realizing the qualities of the Father. So, are you free from all obstacles? Or do you get caught up with that? It is because you do not remain accurate. युक्त नहीं रहते तो तब विघ्नों से युक्त हो. You become caught up जो with कोई obstacle. भी काम रखते हो. When you have any programs, तो भी समझाते हो lectures, तो or explain to anyone, then what is the main thing? इस सभी को मुख्य कौन सी बात सुनाते हो? मुक्ति मुक्ति अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है. Since it is your birthright, then attain it. Then you say, if not now, जन्म सिद्ध अधिकार है तो उनको प्राप्त you कर have, दो. So, have you attained this slogan of liberation and liberation in life as your birthright? You have become the children. And yet, आप लोगों ने पाया जीवन मुक्ति का मिल गया है वा नहीं, यहाँ भी पा लिया है वा मुक्ति धाम में मुक्ति और स्वर्ग में you claim जीवन right मुक्ति लेना to the है भविष्य so, is में this तो मिलना है explain लेकिन भविष्य की नहीं मिली है to do practice. जब पाप अभी मिला है तो वर्ष अभी मिला है different matter to भविष्य be, के दिलासे पर चल रहे but have you received the inheritance of the भविष्य के दिलासे पर चल रहे हो चेक है have you attained it बच्चों को चेक नहीं दिया oh, जाता are you going बाप के हर चीज पर अधिकारी होते हैं and liberation in life in heaven अधिकारी का चेक का दिलासा नहीं दिया जाता तो प्रैक्टिकल वो वर्षा है anyway, अभी प्राप्त होता है जीवन बंधक के साथ haven't received liberation and जीवन मुक्त का life at this time. अनुभव होता हां तो सिर्फ उसी प्रारंभ since you have found the father at this time तभी होंगे मुक्ति धाम the inheritance at this time too मुक्ति को अनुभव जो यह नहीं समझना on the assurance of the future someone said we have received a check चेक मिला है बच्चों को चेक नहीं दिया जाता बच्चे तो बाप के हर चीज पर अधिकारी होते हैं अधिकारी का चेक का दिलासा of a check the practical नहीं दिया जाता is तो प्रैक्टिकल जो वर्षा है वह अभी प्राप्त होता है जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्ति मुक्त का अनुभव होता है वहां तो जीवन बंध की बात ही नहीं वहां तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में होंगे मुक्ति धाम के मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहां नहीं कर सकेंगे यह नहीं समझना कि मुक्ति जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार भविष्य में पाना so, है नहीं जब से बच्चे बने तो वर्षा ही पा लिया है बाकी रहा आज्ञाकारी no. वफादार फरमा बदा सिंस यू हैव बीन कहां तक बने हो बनते हो वह नंबर वह नंबर वर्षे के अधिकारी तो बन जाते हो उस वर्षे का को जीवन में धारण करके उसमें उससे लाभ एंड फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन ना वह हर एक की अवस्था पर है वर्षा देने में पाप कोई अनहिता है लायक और ना लायक बनने पर अंतर हो जाता है इसीलिए कहा जाता है कहा कि जन्म सिद्ध अधिकार
अपने आप में सदा प्राप्त करते रहो। लायक और इसलिए कहा जाता है जन्म सिद्ध अधिकार अपने आप में सदा प्राप्त करते रहो, सदा मुक्त रहना चाहिए ना। You constantly attain your birthright by yourself. You should be constantly liberated, should you not? Be free from the body and the relationships of the body. सदा मुक्त रहना चाहिए ना, देह व से देह के संबंध से मुक्त और पुरानी दुनिया की स्मृति से भी मुक्त। अच्छा, we will continue tomorrow. कल आगे पढ़ेंगे। ओम शांति।